विधानसभा चुनाव 2018 के विश्वास पार्थी उम्मीदवार पर एक बार फिर भरोसा से बीजेपी ने टिकट देकर आगामी जीत का सफलता सूत्र से इस विधानसभा चुनाव का परिणाम अच्छे रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वहीं पाली जिले के पांचवी बार विधानसभा चुनाव लड़ने बीजेपी के ज्ञानचंद पारख ने अपना नामांकन दाखिल किया। ज्ञानचंद पारख को बीजेपी से टिकट मिलने से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर फैल गई है। पाली विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार ज्ञानचंद पारख ने अपना नामांकन दाखिल के साथ प्रचार प्रसार चालू कर दिया। साथ ही बड़ी सभा का आयोजन किया गया जिसमें हजारों कार्यकर्ता ने भाग लिया। महेंद्र बोरा ने अपना समर्थन ज्ञानचंद पारख को देने की अपील की है। इसी दौरान कीर समाज से पवन कीर ने अपना समर्थन देकर पार्टी को मजबूत कर भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की है। अपने आप में एक स्वाभिमान लाना ये पहला कदम है और ये आगे आएगा। तो मेरी समझ में तो दूसरी कोई चॉइस है ही नहीं किसी को। और अब अपन फील्ड में सब उतरेंगे तो आप लोगों को मैं यही निवेदन करता हूं कि दूसरी चॉइस तो है ही नहीं। आगे कौन है देखो तो सही, कौन है आगे? दूसरी बात, हम हर इलेक्शन में एक अच्छा विधायक ढूंढते के कार्यकर्ता है, सेवा के लिए राजनीति में, राष्ट्र सेवा के लिए, देशभक्ति के लिए, भारत माता के चेहरों पे सगुन लाने के लिए, चमक लाने के लिए राजनीति में। हम नेतागिरी करने के लिए नहीं है। ये जितने लोग बैठे हैं ना, ये ज्ञान जी के हाथ है, ये ज्ञान जी के हाथ है। मुझे पता है यहाँ एक पवन कीर बैठा है ना पवन कीर, ये एक चेहरा है, ये उस गरीब का चेहरा है, ये उस कमजोर का चेहरा है, ये उस बच्ची का चेहरा है जिस बच्ची के शादी होनी है, घर में पैसों की व्यवस्था नहीं है, माता पिता को सामान और घर की गृहस्थी गिरवी रख के शायद उसकी शादी करनी पड़ती होगी, लेकिन उसे विश्वास है कि मेरा विधायक मेरे लिए सरकारी योजना के किसी भी फंड में से, किसी भी रास्ते से, गलत हो या सही, मेरे लिए मेरे खाते में 55,000 रुपए जमा करवा दीजिए। एक आदमी ऐसा नहीं रहना चाहिए जो वृद्ध हो और उसको पेंशन नहीं मिलता हो। एक विधवा ऐसी नहीं रहना चाहिए जिसको पेंशन मिलनी और उसको नहीं मिल रही हो। एक भी विधवा का बच्चा पालनहार में वंचित नहीं रहना चाहिए। श्रमिक कार्ड कितने करवा दिए, अरे उसका कोई इलाज करवा लो। असाध्य बीमारी हो, कूल्हे तक की बीमारी, कूल्हे होते ना, कूल्हे निकल जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं या नहीं होते हैं या गल जाते हैं, आदमी पलंग से उठ के खड़ा नहीं हो सकता है। ऐसे 5-5 साल से पलंग पे सोए हुए साल पहले भी मैंने देखी थी, लेकिन आज की संख्या, आज का जुनून, आज का जोश और उस समय का जोश और जुनून उससे कई गुना ज्यादा नजर आता। और लगता है कि कुछ ये अब वो 7 दिसंबर का इंतजार करने की भी स्थिति नहीं रही। ऐसा लगता है कि अपने को वोट तो आज ही देना है, टूट पड़ने की ठानी है। मोहन जी बता रहे हैं अगले का नामो निशान नहीं रहना चाहिए, उसका कोई भी आंसर चिन्ह भी नहीं, निशानी रहने रही चाहिए। ऐसा कार्यकर्ताओं ने ठाना है। ये जनता की मीटिंग नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। और कार्यकर्ता भी अमुक क्षेत्र के कार्यकर्ता है और सूचना भी बहुत कुछ घंटों या शायद 15-20 घंटे या 24 घंटे भी हो गए होंगे, उससे ज्यादा की सूचना नहीं मिली। इससे यह मालूम पड़ता है कि सब उल्टे पांव दौड़ करके आए। एक कहने का इंतजार था, बटन दबाते ही ज्वार उमड़ेगा ऐसा सोचा नहीं था।
लेकिन पिछले 15 दिन से मैं जो संकेत देख रहा हूं पाली में, मैं लगभग एमएलए साहब के साथ में रहने का मुझे मौका मिलता है और करीब करीब जगह एक साथ जाने का मौका मिलता है, अधिकतर समाज के कार्यक्रम में या किसी महोत्सव के कार्यक्रम में, कई सामाजिक कार्यक्रम। इस बार का जो जुनून देख रहा हूं, पूरा का पूरा समाज, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, एक छोटी बहन से लेकर माता के समान, एक युवा होता है ज्ञान जी के, मानो अपने जन्मों जन्मों के पुण्य को याद कर रहा है। ऐसा लगता है कि मेरे दर पे कोई भगवान आ गया, माला लेकर खड़ा है और एक साथ पूरे समाज की तरफ से घोषणा होती है कि पूरा समाज हम ज्ञान जी के साथ में। क्यों साथ में है भाई? दूसरों से कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन उनको पता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो सामान्य वेशभूषा में दिखता है, साधारण सी काया है, लेकिन असाधारण व्यक्तित्व है, एक असाधारण शक्ति है। और इसने जो काम किया, जो दिल जीता है, जो सेवा की है, आधी रात को भी अगर मैंने कूटा खटखटाया है तो अंदर किसी ने आवाज सुनी है और उसकी समस्या का और दर्द का समाधान किया है। ये उसकी पुकार, ये उसके भीतर से आई हुई ये आवाज है, इसलिए वो उमड़ता है, इसलिए नतमस्तक होता है। नहीं तो आज नतमस्तक नहीं होता है अपने माता पिता के चरणों में। समय इस प्रकार का आ गया, लेकिन जिसने आपके लिए, जनता के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, गरीब के लिए, कमजोर के लिए, किसी दुखी और दर्दी के लिए, जरूरतमंद के लिए, किसी मजदूर और किसान के लिए, किसी विधवा बहन के लिए या किसी बच्चे के लिए, किसी बेरोजगार युवा के लिए, कैसी भी स्थिति रही होगी, कैसा भी दर्द रहा होगा, पाली से बाहर भी इलाज करवानी हो तो एम्बुलेंस भेजना, जरूरत हो तो दवाई देना, खून की जरूरत हो तो खून देना, और देना ऐसा नहीं है खुद के जेब में से भी देना, खुद के शरीर का खून भी देना, खुद भी 80 बार खून दे चुके हैं। दिल पे पिछली कांग्रेस की सरकार थी और उसमें जिस प्रकार पानी की पानी कम आता था, पानी की सप्लाई कम होती थी, और आज एमएलए साहब के प्रयासों से मंडली से लगा के रोड तक और मंडली से लगा के जयपुर तक जो नई पाइपलाइन बिछी, और आपने जिस प्रकार 46 करोड़ की जो नई पेयजल की योजना सैंक्शन कराई, तो निश्चित रूप से रोहतक में पानी की मात्रा बढ़ी। जब जयपुर में और रोहतक में पहले की तुलना 2.5 गुना पानी ज्यादा आना शुरू किया, तो पानी की सप्लाई ज्यादा होनी संभव थी। इसके साथ साथ सड़कों के मामले में मैं आपको बताऊंगा, एक तो 5 साल पहले रोड की क्या स्थिति थी, और एमएलए साहब ने अपने 5 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार के प्रयास किए, तो आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि रोड क्षेत्र की सभी सड़कें